गाइस हम मसूरी झील पहुंच चुके हैं, लगभग लगभग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ रुक के हम भुट्टे खा रहे हैं। तो गाइस देखिए कितना ज़्यादा जाम लग रहा है यहाँ पे। मसूरी के मोड़ रोड पे एंट्री ले लिया हमने, कितना भयंकर जाम है, देख रहे हो आप कितना लंबा लाइन लगी हुई है। वहाँ हमारा आगे गरम गरम मोमोज, देखिए चाट इनमें मैगी मसाला वगैरह डाल के दिया है। टिकट काउंटर ये है, 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, 2 टिकट ले लिए, हम चलते हैं। काफ़ी वेटिंग लग रही है मुझे, तो वेटिंग करते हैं फिर बोटिंग करेंगे उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? ऊपर से बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज काफ़ी धूप निकली हुई, गर्मी हो रही है, अभी लिटरली 3 दिन से बारिश पड़ रही थी यहाँ। अभी मौसम खुला है थोड़ा जाके, और एकदम से जैसे धूप निकली गर्मी होगी बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा किससे, अब मैं दिखाता हूँ। मैं कितने टाइम से कह रहा था मामा जी आएंगे हमारे साथ, आएंगे, देखिए मामा जी हमारे साथ। हाय गाइस, अमेरिका से आए, मैंने आपको बताया था, कई वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि अब आएंगे, फाइनली आ गए थे। 3 दिन हो गए आए हुए, मैंने शॉर्ट्स वगैरह डालना था, वो भी डलेगा, वो भी देखना। जब हमने पिक किया था एयरपोर्ट से, दिल्ली गए थे स्पेशल, उसका मैंने एक मिनी ब्लॉग बना रखा, वो भी देखना। तो अभी प्लान कुछ ऐसा है, मैं और मामा जी चल रहे हैं यहाँ से सीधा मसूरी, क्योंकि आज एक दिन मिला है हमें, कल ये लोग सारे पंजाब चल जाएंगे, वहाँ के ब्लॉग आप स्नेहा बनाएगी, वो देखना आप। तो चलते फटाफट मसूरी मामा के साथ, सिर्फ मैं और मामा जा रहे हैं टाइम स्पेंड करने, पुरानी यादें ताज़ा करने, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ा, मैंने काफ़ी ब्लॉगों में तारखा मसूरी में, उस टाइम मामा आया करते थे वहाँ पे मिलने वगैरह, तो ये यादें ताज़ा करेंगे। मसूरी चलते हैं, और हाँ साथ में ड्रोन भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमने ड्रोन ले चुके हैं काफ़ी, पिछली बार हमने आधे रास्ते का दिखाया था, इस बार पूरा मसूरी का व्यू दिखाएंगे। चलिए फटाफट चलते हैं और अच्छा एक ब्लॉग बनाते हैं आपके लिए, जिसमें आपको ड्रोन व्यू भी दिखेगा मसूरी का, और बाकी मस्ती करते हुए चलेंगे। चलिए तो दोस्तों हम गाड़ी में आ चुके हैं, मामा जी भी आ गए हमारे साथ। हाय गाइस, वी आर गोइंग फॉर ट्रिप इन द मसूरी। तो मामा जी कैसा लग रहा है आपको इंडिया आके काफ़ी सालों बाद? आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई एम कम बैक इन माय फैमिली, आई एम मिसिंग ओवर देयर, सो इट्स लाइक आई कम बैक इन माय हेवन हेवन जी। काफ़ी साल बाद आए मामा जी, क्योंकि करीब कितने 7-8 साल हो गए? नो, 10 ईयर। हाँ 10 ईयर हो गए, और वहाँ पे अकेले रहते हैं, वहाँ जॉब है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं मामा जी, तो काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, हम सारे एक्साइटेड है। तो प्लान कुछ ऐसा है, अभी तो हम जा रहे हैं मसूरी, क्योंकि हमको एक ही दिन मिला है, क्योंकि अभी सब रिश्तेदारों में भी जाना है, तो सब मामा एक एक करके जा रहे हैं, तो कल इन सब लोगों ने वहाँ निकलना, क्योंकि थोड़ी पूजा वगैरह करानी है, पाठ वगैरह रखना है, तो पंजाब निकल जाएंगे सारे लोग। मैं भी जाऊँगा यहाँ से, मैं 3 दिन के लिए जाऊँगा, 5 तारीख को जाऊँगा, 6 और 7। हमने एक्चुअली प्लान बनाया है वहाँ से वैष्णो देवी जाने का, वो व्लॉग भी आप देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जम्मू जाएंगे बाय कार, करीब करीब 8-9 लोग जाने वाले हैं, सारे लगभग बच्चे ही जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा व्लॉग होने वाला है। तो चलिए फिर चलते हैं मसूरी की तरफ, और आपको अच्छे अच्छे खूबसूरत व्यू दिखाते हैं वहाँ पे, और थोड़ा मस्ती भी करेंगे, और ड्रोन शॉट तो है ही हमारे पे, पूरा अच्छे से एरियल व्यू दिखाएंगे आपको। चलिए तो गाइस देहरादून पहुँच गए राजपुर रोड पे, तो मामा जी को यहाँ की स्पेशल फ्रूट चाट खाते हैं, दिल्ली फ्रूट चाट, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए सामने ही है, यहाँ की फेमस फ्रूट चाट मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो फ्रूट चाट जो एक नॉर्मल होती है, इनका एक मसाला है, जो मसाला डाल के देते हैं ना, वो कहीं नहीं मिलता, बहुत फेमस है, लोग जहाँ से भी आते दूर दूर से जरूर खा के जाते, सबको पता है यहाँ का फेमस है। तो चलो आपको दिखाता हूँ, आपको कुछ ऐसी है, देखिए दुकान, चलते हैं और ऑर्डर करते हैं फटाफट। भैया एक प्लेट फ्रूट चाट लगा देना, कितने? 70 कर दीजिए एक फ्रूट चाट। देखिए यहाँ पे आलू वगैरह फ्राई वगैरह कर रहे हैं, आलू वगैरह भी फ्राई करके डालते हैं, बाकी फ्रूट सलाद तो है, आम भी इस टाइम सीजन में वो भी डाल रहे हैं, बाकी जितने फ्रूट्स वगैरह सब कुछ देते हैं, तो काफ़ी अच्छी रीजनेबल प्राइस है, 60 रुपीज़ की, तो ट्राई कर सकते हैं आप यहाँ पर कभी भी आए, फेमस है यहाँ पे, राजपुर रोड पर पड़ती है। तो गाइस हमारी आ गई, देखिए ऐसी कुछ है फ्रूट चाट, ये 70 रुपये की एक प्लेट देते हैं, मैंने 60 बोल दिया था, भैया ने बताया 70 की है, तो ये मुझे मसाला देख लूँगा आप, काफ़ी ये स्पेशल है यहाँ का, तो चलिए इसे खाते हैं। कैसी लगी? इट्स वेरी यमी एंड टेस्टी, इट्स माई फर्स्ट टाइम लाइक टेस्टिंग, आई विल बी गिव यू द 10/10। तो आप जब भी यहाँ से गुजरे, सामने मॉल है, तो आके आप जब भी जाए जरूर ट्राई आउट करें, काफ़ी अच्छा है और रीजनेबल प्राइस पर इतने अच्छी फूड चार्ट देते हैं। चलिए फिर इसे फिनिश करते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं मसूरी की तरफ। गाइस हम मसूरी झील पहुँच चुके हैं, लगभग लगभग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ रुक के हम भुट्टे खा रहे हैं, भुने हुए खा रहे हैं, बॉयल अक्सर खाते हैं, आज भुने हुए खा रहे हैं, मामा जी को भुने हुए अच्छे लगते हैं, तो भुने खा रहे हैं। बाकी ये सामने मसूरी झील है, पूरी नीचे जाने का रास्ता है। तो गाइस हम मसूरी पहुँच गए हैं, हम पिक्चर पैलेस की तरफ से गाड़ी लेके आए हैं, तो साथ में मामा जी वगैरह आ रहे हैं, तो मसूरी पहुँच गए, मसूरी का व्यू दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए पूरा मसूरी है, तो चलते हैं अब, थोड़ा मसूरी दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर आने के बाद आपको ड्रोन शॉट वगैरह उड़ा के दिखाएंगे यहाँ से। चलिए फटाफट मसूरी की मार्केट दिखाते हैं। चलिए
अच्छा है ना मौसम मामा जी? अच्छा है मामा जी, तो वैसे ही 10 साल बाद इंडिया आ रहे हैं, मसूरी तो पता नहीं कितने सालों बाद आ रहे होंगे, कोई आइडिया ही नहीं है। क्योंकि मैं जब हॉस्टल पढ़ता था तभी मोस्टली आते थे, उस बात को भी करीब करीब 2010 के आसपास मान लीजिए। हाँ हाँ वही मान लीजिए आप 15-16 साल के आसपास। भाई देखिए कितना ज़्यादा जाम लग रहा है यहाँ पे, मसूरी के मोड़ रोड पे एंट्री ले लिया हमने, कितना भयंकर जाम है देख रहे आप, कितना लंबा लाइन लगी हुई है, और जाम ही जाम लगा हुआ इधर। तो भाई हर जगह खुदाई चल रही है, काम चल रहा है, देख रहे हो आप जगह रोड साइड से खोद रखी है इन्होंने, कुछ पाइपलाइन वगैरह बिछरी शायद। तो यहाँ हॉर्न इतना मार रहे लोग, हॉर्न बजा ही जा रहे हैं। अमेरिका में तो नहीं बजाता कोई ऐसा हॉर्न जैसे अब बज रहे, चल बाद में हॉर्न पहले बजा रहे हैं, इंडिया में हो सकता है, बस यहीं का है ये हॉर्न का सिस्टम। तो गाइस हम यहाँ पे रुके हैं मोमोज और मैगी खाने के लिए, हमने ऑर्डर कर दिया है, कुछ ऐसा मॉल रोड है देखिए, शानदार है, यहाँ पे जगह जगह व्यू पॉइंट्स बना रखे हैं, पूरा मॉल रोड है। तो अभी हमारा आते हैं मोमोज वगैरह खाते हैं। हाँ हमारा आगे गरम गरम मोमोज देखिए, इनमें मैगी मसाला वगैरह डाल के दिया है, खा के देखो मामा जी कैसे लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम मोमो खा रहे हैं इंडिया में मामा जी जब से आए हैं, गरम है काफ़ी है ना। हाँ अच्छा है, अच्छा लगे मामा को मोमो, ये हमने वेज मोमो लिए हैं, इसके जो कॉस्टिंग है 50 रुपीज़ पर प्लेट दिए, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, 7 पीस देते हैं। तो चलिए फिर इसे फिनिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और भाई देखिए यहाँ पे रोपवे के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, भयंकर ही लाइन लगी हुई है, और ये रोपवे आ रही है ऊपर से देखिए, गन हिल पॉइंट जाती है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टूरिस्ट आ रखा भी। अभी तो फिर भी थर्सडे इतना है नहीं, सैटरडे संडे आज लाइन लगती है लंबी रोड तक। तो ये हमारा नेशनल फ्लैग है देख रहे हो आप, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो चुका है मसूरी में भी, काफ़ी टूरिस्ट दिख रहा होगा आपको इस टाइम, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो ये भी खाने पीने की जगह है, स्टॉल्स लगे हुए जगह जगह, और शॉपिंग के लिए तो आप कुछ भी ले सकते हैं जगह जगह दुकान से। क्या ही व्यू है देखिए, बादल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, इस टाइम बादल आ चुके हैं नीचे, इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ कुछ बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, झूल सकते हैं, यहाँ सब खाने पीने का नीचे मार्केट है भी। तो भाई जब आ रही है यहाँ के फेमस दूध पीने की, तो मसूरी स्वीट शॉप पे आके यहाँ से दूध लेते हैं हम, और दूध पीते हैं, मामा को भी दूध पिलाते हैं अगर फेमस। चलिए तो हमारा गरम गरम दूध आ गया है मलाई वाला, और काफ़ी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं इसमें, ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, 50 रुपीज़ कॉस्टिंग है इसकी, काफ़ी सही लगता है, हमेशा पीते हैं हम। ठीक है देखो मामा कैसे लग रहा, अच्छा है। पहले आए थे मामा तब पीते थे, काफ़ी साल हो गए मामा को यहाँ पे, बस इंडिया में आए हुए 10 साल हो गए उसके अराउंड, और 10 साल मान लीजिए। चलिए फिर इसे भी फिनिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। और ये पूरी मॉल रोड है देखिए मसूरी का, क्या बेहतरीन नज़ारा है, बादल आ चुके हैं, काफ़ी सही लग रहे हैं, देख रहे हैं आप बादल। गाइस अभी हम आ रखे हैं मसूरी झील, तो मसूरी में झील में चलते हैं, फिर बोटिंग वगैरह करते हैं। चलिए फटाफट झील दिखाते हैं आपको। तो ये सारी यहाँ पे झील की एंट्रेंस है, गाड़ी हमने इधर लगा दी पार्किंग में साइड में, 100 रुपये पर्ची कटवाई है पार्किंग की। चलिए फिर चलते हैं फटाफट, 12 रुपये एंट्रेंस फीस लगी है हमारी मसूरी झील में, तो अभी चलते हैं नीचे बोटिंग का भी, वहाँ पर बोटिंग के लिए पैसे कटवाते हैं, बोटिंग करते हैं थोड़े आराम से, फिर उसके बाद आपको ड्रोन शॉट दिखाएंगे नीचे चलते हुए। तो गाइस ये है देखिए मसूरी झील, इसको कहते हैं मसूरी झील, देखिए आप झील बना रखी है लेक, तो यहाँ बोटिंग वगैरह हो रही है, बोटिंग वगैरह करते हैं हम, और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, मज़े करते हैं, यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती है, वैसे अभी तो हो नहीं रही खैर, पर काफ़ी होती है यहाँ पे एक्टिविटीज़। टिकट काउंटर ये है, 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, 2 टिकट ले लिए, हम चलते हैं, काफ़ी वेटिंग लग रही है मुझे, तो वेटिंग करते हैं फिर बोटिंग करेंगे उसके बाद। गाइस अभी काफ़ी सारी वेटिंग्स हैं यहाँ पे, देखिए कितने लोग बैठे हैं, अभी सारी वेटिंग है, बोट्स कम है और लाइन ज़्यादा है, तो अभी वेट करते हैं, फिर देखते हैं हमारा नंबर आएगा
फिर बैठ के आपको मिलते हैं सीधा बोट में। तो हमारी ये बोट आ गई एक नंबर, इसमें बैठते हैं, पैडल मारेंगे, बोटिंग कर रहे हैं। देखिए मज़ा आ रहा है ना, हमें काफ़ी सारे बोट्स हैं, सब पैडल मार रहे हैं, लिमिटेड बोट्स हैं इसलिए भीड़ लगी हुई है। तो एक बोट हम दो लोग हैं, हमारे लिए बोट वैसे खाली पड़ी थी तो इसलिए हमें मिल गई फटाफट तुरंत। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होती है, देखिए पैराग्लाइडिंग करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। इतना बढ़िया मौसम भी बदल गया देखिए एकदम से, और एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती है काफ़ी, तो काफ़ी ठीक है। अच्छा लग रहा है मुझे, वेरी नाइस। आई ऑलरेडी डिड इन द बोटिंग इन USA, बट इट्स अ डिफरेंट, यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ का एक्सपीरियंस अलग है बिल्कुल। Because they here is manually we have to enjoy activity. But there is a, like automatic that we have available. We just go and enjoy and sit and with the food. Here we have to do it physically, emotionally, we have to get ready. हाथों पैरों की एक्सरसाइज हो रही है बढ़िया। चले हम थोड़ा इन्जॉय करते हैं फिर यहाँ से, फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो थोड़े रास्ते में चल के ड्रोन शॉट भी उड़ाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हुआ हमारे टाइम पे धूप धूप चली गई है, बढ़िया हो गया, मौसम भी साथ दे रहा है। गाइस देखिए यहाँ डक्स है काफ़ी सारी, बत्तख रिलैक्स कर रही है, इन्जॉय कर रही है। थोड़ा भी हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा, यहाँ से बच गए बस हम। कितना आगे चलाएंगे वैसे, कहाँ से कहाँ घूम होना वैसे आ गया है। मौसम बहुत अच्छा साथ दे रहा है, देखिए बादल आ गए बिल्कुल सामने, पूरे बादल आ चुके हैं सामने, क्या किरणें निकल रही हैं धूप की। कैसा लगा आपको ड्रोन शॉट, होप करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। थोड़े पहाड़ वगैरह दिखाए हमने आपको, तो मैगी आ गई हमारी गर्मा गर्म, ये देखिए गर्मा गर्म मैगी आ चुकी है, वेजिटेबल मैगी एक ही खा रहे हैं, ज़्यादा भूख है नहीं, तो मामा को पहाड़ों की मैगी टेस्ट करा रहे हैं हमारी लोकल मसूरी की। चलिए फिर खा के देखो मामा कैसे लग रही है आपको। कहते हैं ना कहावत है हमारे यहाँ, पहाड़ों पे आए और मैगी नहीं खाई तो कुछ भी नहीं देखा पहाड़ों पे। ये कहावत है बहुत पुरानी हमारी। चलिए फिर इसे फिनिश करते फिर आगे बढ़ते। ओके फ्रेंड्स, हम घर पहुँच चुके थे, नहा धो कर एकदम फ्रेश हो गए हैं। तो होप करते हैं आपको छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ज़्यादा नहीं था, बस मामा आए थे, मामा को मसूरी घुमा दिया हमने, एक ही दिन मिला था हमें, तो एक दिन में हमने मामा जी को मसूरी घुमा दिया, बहुत खुश हो गए क्योंकि कई सालों बाद मसूरी गए, क्योंकि 10 साल बाद इंडिया आए, उसके बाद और 5-10 साल बाद मसूरी गए, उससे पहले ही गए थे, तो मान लो 15-20 साल हो गए मामा को मसूरी गए हुए। काफ़ी अच्छा रहा, बोटिंग वगैरह करी, वो आपने देखा होगा शॉर्ट्स वगैरह में भी। ठीक है फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी हुई, अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना,
और चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना ज़्यादा शेयर भी करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा हमारा ब्लॉग। आने वाली बहुत अच्छी अच्छी सीरीज है, अभी वैष्णो देवी का टूर आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है धीरे धीरे, आप वो भी देखेंगे। फिर साउथ का प्लान मैंने बताया रखा, साउथ का भी स्टार्ट करेंगे हम, 20 दिन की जर्नी होने वाली है। तो बने रहिए चैनल पर और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय, फेयरवेल माय फ्रेंड्स, बाय।